हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल सी बी एस ई प्लस एक्सबस विच इज फॉलोड इन एट कंट्रीज मॉडर्न प्लस इस्लामिक एजुकेशन फाइव स्टेप एक्टिविटी बेस्ड एंड प्ले मेथड लॉन्चिंग नाजरीन, आप सबका खैर मकदम एटीन तेलंगाना न्यूज पर आज फर्स्ट सितंबर वेनेसडे का दिन है आई नाजरीन देखते हैं इंटरनेशनल और नेशनल के खास खबरें उत्तर प्रदेश में मासूम बच्चे खतरे में हैं नए डेंगू जैसे वायरस के सब उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने मंडे के दिन ऐलान करते हुए कहा कि डेंगू जैसा वायरस के सबब बत्तीस बच्चे और सात नौजवान लोग मुतासर होने से उनकी मौत हो गई फिरोजाबाद पर इंडिया भर में पिछले 24 घंटों में इकतालीस हजार नौ सौ पैंसठ केसेस दर्ज किए गए और 460 नए कोविड 19 मुतासरी की मौत वाकई हुई इंडिया भर में अगस्त 31 को 1.09 करोड़ कोविड 19 वैक्सीन डोजेस दिए गए आवाम के दरमियान यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंदाविया ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये वैक्सीनेशन तकसीम करने का नया रिकॉर्ड कायम किया गया है इंडिया भर में अभी तक कुल पैंसठ करोड़ वैक्सीनेशन दे चुके हैं इंडिया भर में दोबारा गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है पंद्रह दिन बाद वेनेसडे के दिन से यानी आठ सितंबर की पहली तारीख से पेट्रोलियम कंपनीज ने आज से दोबारा गैस सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफा किए अब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी की कीमत पच्चीस रुपए से बढ़ गई है पिछले दो महीनों से लगातार गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो रहा है ग्रेटर नोएडा दिल्ली में दिन दहाड़े गोली चलाने का वाकया पेश आया जहां स्विगी डिलीवरी बॉय ने रेस्टोरेंट के मालिक को गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया ऑर्डर डिले करने पर स्विगी डिलीवरी बॉय ने रेस्टोरेंट के मालिक को गोली मार दी और मालिक के में हादसा पर ही मौत हो गई पुलिस ने मुकाम हादसा पहुँच कर का आगाज किए और सीसीटीवी फुटेज की मदद से उस डिलीवरी शख्स को हिरासत में ले लिया गया ओम प्रकाश राजभा ने वादा किया कि पांच चीफ मिनिस्टर्स और बीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में राजभार ने कहा कि उनका एक ही मकसद है कि आवाम के लिए सहूलते फरहाम करना जैसे मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी मुकम्मल पाँच साल के लिए वाज रहे नाजरीन भागीदारी संकल्प मोर्चा सियासी अलायंस पार्टी है जो राजभार की जानब से बनाई गई है 2022 उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन के लिए इसमें शामिल एआईएमआईएम भी है यह अलायंस पार्टी एस की जानब ऐसी चलाई जा रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि एक नए कोरोना वायरस वेरिएंट पर डब्ल्यूएचओ जाने की कोशिश कर रहा है और नजर रखा हुआ है जिसका नाम है मू वेरिएंट। ये जनवरी के महीने में पहली मर्तबा कोलंबिया में पाया गया था जैसे कि आप सब जानते हैं नाजरीन हाल ही में डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबब कई मुकाम पर नुकसान हुआ है कोरोना वायरस अचानक फैला था खूस जो वैक्सीनेशन नहीं करवाए उन्हें मुतासर हो रहा था दोबारा ऐसे हालातों पर काबू पाने के लिए डब्ल्यू एच ओ मूव वेरियंट के बारे में मालूम हासिल कर रही है और तमाम अहकाम कर रही है मरहूम मशहूर व वमारूफ बॉलीवुड एक्टर यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार जो जुलाई सात को इंतकाल कर गए थे उनकी अहलिया सायरा बानू 77 साल आई सी हॉस्पिटल में शरीक हुई है, बताया जा रहा है कि उन्हें माइनर हार्ट अटैक हुआ है फिलहाल आई सी यू में उनका इलाज चल रहा है